जय श्री कृष्ण। स्वामी न्यूज द्वारा आपको और आपके परिवार को आज कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं दी है। हम उम्मीद करते हैं कृष्ण जन्माष्टमी पे भगवान श्री कृष्ण का यह जन्म आपके और आपके परिवार के लिए खुशहाली, समृद्धि और शांति और प्यार लाए। स्वामी न्यूज के इस प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। अजमेर के कोतवाली थाना क्षेत्र में चोरी का मामला सामने आया है। कोतवाली थाना इलाके में स्थित झूलेलाल डिग्गी बाजार में एक दुकान में चोरों ने निशाना बनाया। इस संबंध में पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। खोला तो सुबह दुकानों की ये अपने टाइलें वगैरह सब टूटी हुई मिली, पड़ी हुई मिली। मैंने समझा कोई ऐसे ही कोई दुर्घटना हुई है, लेकिन जब मैंने शटर खोला तो अंदर दुकान के अंदर से दो बड़ी जम्बो शर्टों की थैली थी, करीब 30-35 हज़ार का माल मेरे यहाँ से चोरी हुआ। इससे पहले भी साल भर में ये तीसरी चोरी हुई है मेरी दुकान से। इससे पहले भी दो बार हो चुकी है और इससे पहले भी मैंने एक बार कंप्लेंट करवाई थी। कंप्लेंट के बाद भी आज तक कोई ना कोई पुलिस प्रशासन का कोई सहयोग मिला, ना कोई पुलिस का यहाँ पर कोई गश्त वगैरह है। पहले भी मेरे यहाँ से 2-3 बार चोरी हो चुकी है और लगभग पहले भी मेरे यहाँ से करीब 30-35 हज़ार का माल यहाँ से चोरी हो चुका है। किस तरीके से चोरों ने माल निकाला? ये पहले एक लास्ट टाइम तो जब चोरी हुई थी तब शटर वगैरह वो तोड़ के अंदर से माल लेके गए थे। इस बार हुई है वो सब टाइलें वगैरह तोड़ के नीचे से और सरिया वगैरह घुसेर के उन्होंने माल निकाला सरियों से। सेवानिवृत्त व्यक्ति द्वारा भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि का 250 साल पुराना नक्शा दिखाकर पौराणिक वस्तुओं की जानकारी दी गई। स्वामी न्यूज़ के सभी दर्शकों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं बीएल सामरा जो LIC से रिटायर्ड ब्रांच मैनेजर हूं, मैंने पिछले 50 सालों में हमारी सांस्कृतिक विरासत से संबंधित सामग्री का संग्रह किया है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मैं दर्शकों से आज से लगभग 250-300 साल पहले, जब कैमरे का चलन नहीं था, एक चित्रकार ने तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए श्री कृष्ण लीला भूमि का एक नक्शा बनाया जो 84 कोस में संपूर्ण वन उपवन सहित है। उसमें श्री कृष्ण जन्मस्थान गोकुल, ब्रजगांव, बरसाना, नंदगांव, वृंदावन, कालियादे, पूरी यमुना और इन सब का चित्रण किया गया है। आज तो हम जब कहीं भी अपने तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं तो कैमरे का उपयोग करते हैं, लेकिन उस दौर में जब कैमरे का चलन नहीं था, आप कहीं जाकर के हम वहाँ जाकर के आए ये चीज़ देखी, तो ये एक चित्रकार ने जो नक्शा बनाया है वो एक तरह से 1.5 बाई 2 फीट का इस तरह का, और उसमें संपूर्ण लीला क्षेत्र का चित्रण किया गया है। श्री कृष्ण की मतलब जो जन्माष्टमी को जो हुआ, मेरे अपने जीवन में भी 8 की संख्या का बहुत अधिक महत्व है। लगभग 35 ऐसी घटनाएं हैं। स्वयं मेरा अपना जन्म 8 तारीख को हुआ, मेरे बेटे का जन्म 8 सितंबर को हुआ, अभी जो आने वाला है। इसी तरह श्रीमती जी का जन्म भी 8वें महीने में आता है, बेटिया का जन्म अष्टमी को है। मेरा जो पहला बैंक अकाउंट खुला था उसका भी अंकों का योग 8 है। ऐसी मतलब लगभग मैंने 30-35 घटनाएं जिनका अपना मैंने जो अपनी सेवा में जॉइनिंग मेरी डेट है वो भी 8 तारीख थी, 8 अप्रैल की। तो मतलब इस अवसर पर श्री कृष्ण जो मतलब श्री गीता भगवत गीता के और महान योगीराज के रूप में जाने जाते हैं, मेरे पास श्री भागवत श्रीमद् भागवत गीता के लगभग अलग अलग 18 तरह के स्वरूप जो अलग अलग भाषाओं में हैं, अलग अलग साइज के हिसाब से हैं, मैंने संग्रहित किए हैं। अच्छा मतलब
डेढ़ बाई दो फिट का एक ऐसा नक्शा है और उसमें चित्रकार ने भगवान श्री कृष्ण के मतलब उनके बाल्यकाल की लीला भूमि के संपूर्ण क्षेत्रों को दर्शाया है। तो ये नक्शा एक ही नक्शा है जो आपके पास में है पूरी दुनिया में जो नक्शा है? हाँ, मेरे दादाजी मतलब लगभग 250 साल पहले वहाँ पे गिरिराज की यात्रा पे गए थे, वो वहाँ से चित्रकार से वो लेकर के आए थे। मतलब तब कैमरे का चलन नहीं था कि आप वहां से कोई फोटो खींच के लाते, ऐसा कुछ करते जो आज जैसे कंप्यूटर का जमाना है। उस वक्त मतलब सारे ग्रंथ भी जैसा असली की दुआ करते थे चित्रकार के, वो उनसे ही हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते थे, दूसरों को भी बता सकते थे कि वहां पे तीर्थ यात्रा पे गए हमने ये इन। तो आप जब आपके पास कोई आता है तो उसको ये नक्शे के दर्शन कराते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी बात है अपने लिए आज के जो कलयुग में इस तरह से कृष्ण जन्मभूमि का इतना बड़ा नक्शा होना। मुझे मतलब ये कहते हुए मतलब खुशी है कि मतलब कई टीवी चैनल्स ने मतलब इसको कवर किया, उसके माध्यम से दर्शकों ने उस दर्शन नक्शे का दर्शन किया है। और ऐसे ही मेरे पास श्री राम जन्मभूमि का भी अयोध्या का एक बड़ा नक्शा है, और ये सब चीज़ें मतलब एक तरह से हमारी सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा है, तो उसको सहज के रखा जाना चाहिए। यही मेरा युवा पीढ़ी को मैसेज भी है कि हम हिफाजत करें, अगर हिफाजत करेंगे तो कोड़ी की चीज़ भी करोड़ की हो जाएगी। मेरे दादाजी कहा करते थे कि अगर हम किसी चीज़ मतलब दुनिया ने कोई चीज़ फिजूल नहीं बनाई कुदरत ने। ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में बेगमी दालान की छत पर दरारें आने पर दरगाह के कुछ खादिमों ने आरोप लगाते हुए चंदे की रकम को विकास कार्यों में खर्च नहीं होना बताया। इस पर दरगाह नाजिम ने अपना पक्ष रखते हुए जानकारी दी। दालान की छत की मरम्मत का काम जो चल रहा है उसमें कुछ दरारें आई हुई हैं, साइड में भी छत पे भी थी, उसका काम चल रहा है। उसको लेके कल किसी ने कोई शायद वीडियो वायरल किया है। अब ये वीडियो वायरल करने वाले कौन हैं, जिनका इंटरव्यू लिया है, उनका काम से क्या संबंध है, क्या लेना देना है और उनका क्या योगदान है, ये कम से कम वायरल करने वाले को भी देखना चाहिए। जहाँ तक मेरी जानकारी है उस आदमी ने एक रुपये का भी चंदा कभी दरगाह किसी काम के लिए नहीं दिया होगा। दरगाह कमेटी चंदे से ही चलती है, बिल्कुल सही बात है। और ये काम जो कर रहे हैं वो हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर जो इंडिया के सबसे बड़े आर्किटेक्ट हैं वो ये काम कर रहे हैं। उन्होंने अपना समय दिया, दो बार यहाँ पे विजिट की, उसके बाद इन्होंने डिसाइड किया कि ये कितनी प्रॉब्लम है, किस किस तरह से काम होना है, और उसके बाद उनकी टीम उस काम में लगी हुई है, वो खुद का ही पैसा उसमें लगा रहे हैं। और हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर जैसे आदमी को कोई ये कहे साहब ये धीरे काम कर रहे हैं या तेज़ी से काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ इतना काबिल आदमी अजमेर या उसके आसपास तो कोई। स्वामी न्यूज़ द्वारा आयोजित किए गए कार्यक्रम कृष्ण बनो प्रतियोगिता में स्वामी न्यूज के दर्शकों ने भारी संख्या में अपने बच्चों की रंगारंग प्रस्तुति भरी प्रतियां भेजी, जिन्हें लाइव के माध्यम से कृष्ण बनो प्रतियोगिता कार्यक्रम के तहत दिखाया गया। इस कार्यक्रम का प्रसारण इस न्यूज के बाद भी किया जाएगा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सावन महीने के बाद जो महीना आता है वो है होता है भाद्र का महीना, और इसकी शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन आज जन्माष्टमी मनाई जाती है। जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण के जन्म के रूप में मानी जाती है। जो श्री कृष्ण इस दुनिया में पाप और अंधकार को मिटाने आए, लोगों के जीवन में उजियारा और रोशनी दिखाने आए, वो श्री कृष्ण इस दुनिया में एक बार फिर प्रकट होंगे। इसी आशा के साथ हर साल इसी तारीख को हम हिंदू धर्म के लोग और बाकी सभी मानने वाले लोग इसी को जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। मैं आज आपको बता दूं कि लोगों को भारतीय संस्कृति से जोड़ने के लिए और युवा पीढ़ी को संस्कार और धार्मिक महत्व समझाने के लिए स्वामी न्यूज द्वारा हर साल हर बार कुछ नया नया कार्यक्रम किया जाता है। ऐसा ही एक कार्यक्रम आज हम कर रहे हैं, कृष्ण बनो प्रतियोगिता। इस प्रतियोगिता के माध्यम से आज शहर भर के और शहर के बाहर से भी और राजस्थान के बाहर से भी कई लोगों ने हमें कई प्रतियां भेजी है, जो इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे कि कैसे उन्होंने अपने बच्चों को भगवान श्री कृष्ण के मनमोहक और दिल लुभाने वाले रूप में ढाला और उन्हें सजाया, और वो भी हमको दिखाएंगे। और मैं आपको वीडियोस के माध्यम से और
उस बारे में हम बात करेंगे। इस बारे में मेरे साथ हैं मेरे स्वामी न्यूज के वरिष्ठ पत्रकार और मेरे गुरु और जो पंडित जी भी हैं और काफी के जानकार भी हैं हिंदू धर्म के, राजीव लोचन जी शर्मा। नमस्कार। मैं राजीव लोचन जी शर्मा से इस कार्यक्रम की शुरुआत के साथ ही एक सवाल जो मेरे काफी जहन में और चल रहा था कि इस बारे में जानकारी ली जाए कि भगवान श्री कृष्ण का ये जन्माष्टमी पर्व वैदिक हिंदू धर्म के हिसाब से क्यों इतना महत्वपूर्ण है और इसकी क्या महत्वता है, इस बारे में जानकारी दीजिए। सर्वप्रथम तो सभी दर्शकों को कृष्ण जन्माष्टमी पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई देता हूँ भगवान श्री कृष्ण के जन्म दिवस पर। जो सवाल नितेश जी ने पूछा उस बारे में मैं बताना चाहूंगा, जो एक मंत्र है उस मंत्र में ही इसकी स्थिति स्पष्ट हो जाती है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेत्वे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः, यानी कि उन सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण भगवान को हम नमस्कार करते हैं जो उत्पत्ति स्थिति और विनाश के लिए ही जिन्होंने जन्म लिया है इस धरती पर। अलग अलग शहरों में अलग अलग तरह की प्रथाएं हैं। मथुरा वृंदावन की बात अगर करें तो वहां का अगर दृश्य देखें तो एक अनुभूति बहुत ही श्रेष्ठ होती है और वहां रमने बसने की मानव के अंदर परिकल्पना हो जाती है, उनकी इच्छा होती है कि भगवान श्री कृष्ण की शरण में चलना चाहिए। धन्यवाद राजीव जी, बहुत बहुत आपने जानकारी दी। मैं जानकारी से जरूर दर्शकों को कुछ ना कुछ ज्ञान हासिल हुआ होगा। मैं एक कविता आई है हमारे पास कि बच्चों के साथ साथ कुछ हमारे लोगों ने भी कुछ भगवान श्री कृष्ण से कार्यक्रम से जुड़ने के लिए हमें अपनी प्रस्तुतियां भेजी हैं। गंगाधर शर्मा जी हिंदुस्तान ने एक कविता भेजी है, मैं कहूंगा हमारे सहयोगी को वो कविता दिखाई जाए। कृष्ण बनो प्रतियोगिता। काल में भगवान कृष्ण का नाम एक ऐसा नाम है जो सभी कष्टों से हमें निवारण करके पार लगा सकता है। उन्हीं भगवान कृष्ण को समर्पित मेरी एक रचना जिसका शीर्षक मैंने जय श्री कृष्ण ही दिया है, जिसमें आह्वान किया है कि भगवान कृष्ण का गीता ज्ञान स्वयं साक्षात कृष्ण है। उस कृष्ण गीता ज्ञान को अगर हमने आत्मसात कर लिया तो हम प्रभु श्री कृष्ण का जो वास्तविक स्वरूप है, जो उनका एक मानसिक लक्ष्य था कि ऐसा हमारा संसार हो, वो संसार हम बना पाएंगे, ये मेरी भावनाएं हैं। तो प्रस्तुत है मेरी यह रचना। कलयुग आज चरम पर आया, अब युद्ध पाप से ठन जाए। कलयुग आज चरम पर आया, अब युद्ध पाप से ठन जाए। साक्षात कृष्ण है भगवत गीता, यदि मानव अर्जुन बन जाए। साक्षात कृष्ण है भगवत गीता, यदि मानव अर्जुन बन जाए। उद्दंड हुआ था कंस बन गया, अनाचार का महाप्रतीक। मिटा बहन की संताने वो खेच रहा था काली लीक। देवी जैसी बहन देव की कारा में दुख पाती थी, देवी जैसी बहन देव की कारा में दुख पाती थी। बच जाए बस पुत्र आठवां, सारे देव मनाती थी। घोर तिमिर भयानक रजनी, बरस रहे थे मेघ प्रबल। ऐसी कठिन परिस्थिति में भगवान का जन्म हुआ है समझेंगे कि घोर तिमिर भयानक रजनी, बरस रहे थे मेघ प्रबल। ऐसे में धरती पर कान्हा आए हरने कष्ट सकल। करी प्रेरणा वसुदेव को, ले उनको गोकुल वन जाएं। और साक्षात कृष्ण है भगवत गीता, यदि मानव अर्जुन बन जाए। साक्षात कृष्ण है भगवत गीता, यदि मानव अर्जुन बन जाए। कलयुग आज चरम पर आया, अब युद्ध पाप से ठन जाए। साक्षात कृष्ण है भगवत गीता, यदि मानव अर्जुन बन जाए। पर की पीड़ा पर रहे मौन, यह उचित नहीं है वीरों को। जो प्रत्यंचा पर नहीं चढ़े, दीमक खाती उन तीरों को। जमुना में था जहर घोलता, नाग कालिया जहरीला। जमुना में था जहर घोलता, नाग कालिया जहरीला। ग्वाल बाल सब देख रहे थे, रच डाली ऐसी लीला। ग्वाल बाल सब रहे देखते, रच डाली ऐसी लीला। खेल खेल में गेंद उछाली, गई डूब जमुना तल में। खेल खेल में गेंद उछाली, गई डूब जमुना तल में। और विषधर का विष हरने कान्हा, कूद गए बहते जल में। दृश्य देख कान्हा पर बलि बलि, धरती संग गगन जाए।
साक्षात कृष्ण है भगवत गीता, यदि मानव अर्जुन बन जाए। साक्षात कृष्ण है भगवत गीता, यदि मानव अर्जुन बन जाए। स्थितियां क्या है, धर्म पर नित नए हमले हो रहे हैं और बहुत हो चुका धर्म पराजित, बहुत हो चुका धर्म पराजित। अब गांडी उठाओ पार्थ, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय को समझो छोड़ो क्षुद्र स्वार्थ। संपूर्ण विश्व अब जकड़ चुका दुर्योधन के शकुनी पासों में, संपूर्ण विश्व अब जकड़ चुका दुर्योधन के शकुनी पासों में। और कब तक शीश झुका बैठोगे क्लीव समान तुम दासों में। दीन द्रौपदी तड़प रही है, दीन द्रौपदी तड़प रही है जकड़ी क्रूर भुजाओं में। आह्वान युद्ध का तुम्हें सुने अब अबला की आर्त कराहों में, आह्वान युद्ध का तुम्हें सुने अब अबला की आर्त कराहों में। यही समय है सही युद्ध का, यही समय है सही युद्ध का, यही समय है सही युद्ध हित। मुट्ठी तेरी तन जाए, साक्षात कृष्ण है भगवत गीता, यदि मानव अर्जुन बन जाए। साक्षात कृष्ण है भगवत गीता, यदि मानव अर्जुन बन जाए। छल द्वेष दंभ पाखंड झूठ की लेकर के तलवार दुधारी, छल द्वेष दंभ पाखंड झूठ की लेकर तलवार दुधारी। रक्त बीज सम उगाए हैं और कपट भ्रष्टाचारी, और धूमिल करने को सूर्य सनातन बहु छद्म धर्म रचा डाले, लेकिन कर्म कसौटी पर चढ़ पड़ जाते सारे काले। जब हम कसौटी पर कसते हैं किसी को तो सोना होता है वही अपना चमक रखता है, बाकी सब मिलावट है तो काली पड़ जाती है, नकली सोना काला पड़ जाता है। तो और भगवान ने कहा है कर्मणे वा अधिकारस्ते मा फलेषु कदासन, तो कर्म पर ही हमारा अधिकार है। तो छल द्वेष दंभ पाखंड झूठ की लेकर तलवार दुधारी, रक्त बीज सम उगाए हैं और कपट भ्रष्टाचारी। धूमिल करने को सूर्य सनातन बहु छद्म धर्म रचा डाले, लेकिन कर्म कसौटी पर चढ़ पड़ जाते सारे काले। असमंजस में नहीं पड़ो अब, ये मेरा मनुष्य को कहना है, असमंजस में नहीं पड़ो अब, नहीं करो कान्हा से ढेर। तुम ही शस्त्र उठाओ अर्जुन, सम्मुख शत्रु है कर दो ढेर। कीर्ति अमिट रहेगी तेरी, जाने दो जो तन जाए, जाने दो यह शरीर अगर जाता है तो जाने दो। कीर्ति अमिट रहेगी तेरी, जाने दो जो तन जाए। और साक्षात कृष्ण है भगवत गीता, यदि मानव अर्जुन बन जाए। साक्षात कृष्ण है भगवत गीता, यदि मानव अर्जुन बन जाए। कलयुग आज चरम पर छाया, स्वामी न्यूज प्रस्तुत करता है कृष्ण बनो प्रतियोगिता। देखा आपने कितनी शानदार कविता दी, ये गंगाधर शर्मा जी ने कविता सुनाई आपको, ये भगवान श्री कृष्ण की जरूर ये प्रस्तुति आप तक पहुंची होगी। और लगातार हमारे पास जो प्रस्तुतियां आ रही हैं, मैं दर्शकों को कहना चाहूंगा कि अगर आज रात तक भी अगर आपका बच्चा तैयार होता है और किसी झांकी में या अपने घर पे तैयार करते हैं तो वीडियो बनाइए और हमें भेजिए। आज नहीं दिखा पाए तो रात, अभी नहीं दिखा पाए तो रात को दिखाएंगे, और रात को नहीं दिखा पाए तो कल भी दिखाएंगे। और इस प्रतियोगिता का, कृष्ण बनो प्रतियोगिता का जो परिणाम है वो हम कल शाम को हमारे प्राइम टाइम रूटीन के टाइम पे उसको उसमें डिक्लेयर करेंगे। और मैं आपसे कहूंगा कि इस वीडियो को आप ना यूट्यूब पे जाके देखें, और इसको अगर आप नहीं देख सकते सोशल मीडिया के हमारे जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है, फेसबुक है, उस पर जाके देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने बच्चे का वीडियो औरों से भी शेयर करें और देखें कि स्वामी न्यूज की इस पहल को लोगों तक पहुंचाने का, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए, हमारे बुजुर्गों द्वारा दिए गए, हमारे गुरुजनों द्वारा दिए गए, जो आज ये कविताओं के रूप में आप तक पहुंचा पाए। जी नितेश जी, जिस प्रकार से देखिए जो आपने ये कविता, सुंदर कविता का वर्णन किया है, इसके अलावा भी देखते हैं कि हमारे पास में वीडियो लगातार आए जा रहे हैं और काफी ज्यादा जो बच्चे हैं बहुत उत्सुक हैं और उनके माता पिता भी काफी उत्सुक हैं। और दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए भगवान, मैं बच्चों को इंतजार ना कराए, मैंने आपका जी, बिल्कुल इंतजार करते अच्छे जरूर जरूर। हाँ, इसीलिए कह रहा हूँ कि वीडियो दिखाए बाद में। बिल्कुल, ये मयंक सेन है, ये इन्होंने अपना वीडियो भेजा है। ये मयंक सेन है, मनोज कुमार सेन, 4 महीने के हैं ये, और ये अपना ये किशनगढ़ से, ओल्ड सिटी किशनगढ़ से अपना वीडियो भेजा है। बहुत बहुत धन्यवाद इनका वीडियो इनके पिताओं को बनाने के। ये ध्रुवी वासना है, और ध्रुवी वासना ये डॉटर है, ये मनोज वासना वासन, ध्रुवी वासन डॉटर ऑफ मनोज वासन, इन्होंने अपना वीडियो भेजा है, मदार अजमेर से इनका वीडियो है। इनके लिए भी पिताओं, इनके माता पिता को बहुत बहुत धन्यवाद। इसके
ये है यक्ष मोरदानी, जिस प्रकार से देखिए इनके बारे में भी डिटेल हम बताएंगे आपको, लेकिन देखिए इनकी डिटेल बता देता हूँ। इनके पिता का नाम है कमलेश मोरदानी और इन्होंने सिंधी तोपदड़ा से अपना ये वीडियो भेजा है। ये अंजलि ज्योति हैं, देखिए ये राधा बनकर के और किस प्रकार से इन्होंने नृत्य किया है। भगवान कृष्ण के रूप को धारण करके और उस पर राधा का रूप तो धारण किया है, लेकिन नृत्य भगवान कृष्ण के लिए किया जा रहा है, उनको रिझाने के लिए, भगवान श्री कृष्ण को रिझाने के लिए किस प्रकार से जो राधा है वो नृत्य करती थी, तो राधा का रूप धारण करके ये एक मनमोहक नृत्य प्रस्तुत कर रही है अंजलि ज्योति। इनकी डिटेल थोड़ी सी मेरे पास नहीं, ज्यादा जानकारी नहीं दे पाया, इसलिए इनकी डिटेल नहीं आई है। रौनक जिया ये देखिए रौनक जिया जो है ये कृष्ण के साथ में और ये गोपी जो है ग्वाल रूप में जो गोपी और उनका है, या ये माता यशोदा का भी रूप धारण कर सकती करा हुआ है। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं वापस से अंजलि ज्योति का दिखाया जा रहा है नृत्य राधा बनकर के, और इसके बाद में देख रहे हैं जिस प्रकार से देख रहे हैं कि क्या नृत्य देखिए एक सुंदर भगवान श्री कृष्ण को दिखाने के लिए नृत्य जिस प्रकार से किया जा रहा है। अंजलि ज्योति है ये, और ये देखिए राधा किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के समीप जाकर के जब उन्हें प्रसन्न करने के लिए उनको रिझाने के लिए नृत्य करती थी, तो ये राधा का ही रूप धारण करके ये नृत्य किया गया है। जिस प्रकार से देख रहे हैं कि देखिए जो पहले पूर्व में माँ यशोदा जब डांटती थी कृष्ण को जब माखन चोरी करते थे, और उसके बाद में जब वो जंगल में जाके बैठ जाते थे तो वहाँ वो रूठे हुए अवस्था में रहते थे, और ऐसी अवस्था में जो राधा वहाँ पहुँच करके कृष्ण को मनाने में लग जाती थी उनका गुस्सा दूर करने के लिए, उनके क्रोध को, क्योंकि माँ से रूठ करके जब कृष्ण जंगल में आ जाते थे तो वहाँ ऐसी स्थिति उत्पन्न होती थी, तो वो किसी से बात नहीं करते थे कृष्ण, और जब श्री कृष्ण जब किसी से बात नहीं करते थे तो एक राधा ही होती थी जो उन्हें मना लिया करती थी। तो ये जो बच्ची के द्वारा नृत्य प्रस्तुत किया जा रहा है अंजलि ज्योति के द्वारा, ये वही रूप प्रस्तुत किया जा रहा है कि राधा किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण को मनाने के लिए, उनको रिझाने के लिए ये नृत्य किया गया है। ये देखिए एक पीयूष आर्ट ये लिख रहे हैं हमारा नहीं आया। देखिए आप निश्चिंत रहिए, आप जिन्होंने भी हमें वीडियो, ये एक और देखिए अब प्रस्तुति आ रही है सामने, और इनका नाम है यादवी कोहली है और इनके पिताजी का नाम अभिनव कोहली है। ये छोटी बच्ची जिस प्रकार से आप देख रहे हैं ये अपने अजमेर के ही रहने वाली है, बहुत छोटी बच्ची है, और किस प्रकार से देखिए मुरली मनोहर नंद लाला गोपाला हाँ उनका रूप धारण करके ये डेढ़ वर्षीय बच्ची ने एक सुंदर मनोहारी दृश्य जो दिखाई दिया जा रहा है। देखिए एक जो माँ कोई इशारा देती है, यशोदा माता जब एक इशारा देती है बच्चे को, और उस समय कैसे उसकी पालना की जाती है, या दूसरा देखिए ओनिश दादीच जो है इनके द्वारा भी श्री कृष्ण का रूप धारण करके और जंगल में वन में गौ माँ के पास में देखिए पिता का नाम ऋत्विज दादी जी है, वैशाली नगर अजमेर से इन्होंने भेजा है। बहुत बहुत धन्यवाद इनके माता पिता को, इन्होंने जो वीडियो बना के भेजा है। ये त्विक दादीच है, ये देखिए छोटा सा ये हालांकि फोटो में भेजी गई है लेकिन बहुत अच्छा बताया था। भूपेंद्र दत्त दादीच है जी, इन्होंने भी अपने वीडियो के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने अपने बच्चे का जो इतना शानदार फोटो सेशन करके वीडियो ना बना सके फोटो भेजी है, वो भी बहुत सुंदर और बहुत मनमोहक रूप है। ये देखिए कृष्ण रूप भी है तो इधर साधु रूप भी बनाया था उन्होंने, एक विहाना भक्त। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए स्वामी न्यूज़। जय श्री कृष्ण।